आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइज ऑफ प्रोटेस्टेंट एंड मार्टिन लूथर की। दोस्तों अगर मार्टिन लूथर, ये वो वाले मार्टिन लूथर किंग नहीं है अमेरिका वाले, ये जर्मनी वाले हैं, तो अगर हम इनकी बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन कैसे हो रहा था। एक झगड़ा था चर्च और साइंस को लेकर। अगर आपने चर्च के खिलाफ कुछ भी बोला तो आप गए काम से। तो विज्ञान हमेशा चर्च के खिलाफ बोलता था, इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों को जेल में बंद कर दिया, मार दिया गया, देखा है हमने। लेकिन आज हम बात करेंगे राइज ऑफ प्रोटेस्टेंट की। आप तब क्या करेंगे जब चर्च के अंदर से ही आवाज आने लगे कि आपका जो कानून है वो सही नहीं है। तो यहां पे हम देखते हैं क्रिश्चियंस का डिवीजन हो गया। इससे पहले क्रिश्चियंस ईस्टर्न और वेस्टर्न में बसे थे, ठीक है, बटे थे, वेस्टर्न और ईस्टर्न में डिवाइड थे, लेकिन यहां पे ये बहुत बड़ा डिवीजन हो गया प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स का। तो आज हम इस पे बात करेंगे। और भैया अब हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, अब अगले जो लेक्चर्स होंगे वो मॉडर्न वर्ल्ड पे होंगे, और फिर हम भारत के इतिहास पे भी आएंगे। तो इससे पहले हमने साइंटिफिक डेवलपमेंट देखा था, और मैंने बताया था कि रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये लेक्चर है, जो सोर्स है मेरा, प्राइमरी सोर्स मेरा दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज की बुक्स है, तो वहां पे भी ये चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सबसे पहले देखने को, मतलब सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए एक चीज आप जानिए, क्रिश्चियनिटी का जन्म जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ था आज से 2000 साल पहले। 4th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं कि ये पूरे रोमन साम्राज्य में फैल गया था, ऑफिशियल धर्म हो गया था, ऑफिशियल रिलीजन हो गया था कि इसको आपको अपनाना ही है। 5th सेंचुरी आते आते ये और ज्यादा फैल गया, और दोस्तों 16th सेंचुरी आते आते 1000 सालों में क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैल गई और बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैल गई, और सिर्फ यही एक ऐसा धर्म था जिसको हर कोई पालन करता था, बाकी सब माइनॉरिटीज में थे। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी, जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को फॉलो करती थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे समय बदला, चर्च के पास बहुत ताकत आ गई थी। दोस्तों देखिए, चर्च था क्या, चर्च है क्या, चर्च असेंबली ऑफ जीसस। तो सबसे पहला पॉइंट, तो अच्छा पॉइंट तो मैंने बताया नहीं, राइज ऑफ चर्च, ठीक है। तो चर्चेस हैं क्या, ये फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट है, ठीक है, असेंबली ऑफ जीसस क्राइस्ट या फिर फॉलो ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं उन्होंने अपना ग्रुप बनाया और उसको बोला चर्च, ठीक है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन था उसको बोला चर्च। लेकिन धीमे धीमे चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन बन गया और ये बहुत बड़ा हो गया, और इसने धीमे धीमे लोगों की फ्रीडम को छीन लिया। जो लॉ होते थे वो चर्च बनाता था। आप समझ लीजिए कि चर्चेस के पास एक समय इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी। एक तरफ तो एम्परर्स थे और एक तरफ चर्चेस की गवर्नमेंट थी, और एम्परर्स भी चर्चेस से, जितने भी चर्च थे उनसे डरने लगे थे, पोप से डरने लगे थे, इतना ज्यादा ताकत थी इनके पास। अब ये कैसे हुआ, चर्चेस के पास था पब्लिक का सपोर्ट, लोग जिसको सपोर्ट करेंगे उसके पास ताकत होगी। धर्म को हमेशा से ही लोग सपोर्ट करते हैं, और चर्चेस ने यही किया, उन्होंने जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को फैलाया। लेकिन धीमे धीमे चीजें बदलनी शुरू हो गई और बहुत प्रॉब्लम हो गई। बाद में इन्हीं से ही प्रोटेस्टेंट निकले। प्रोटेस्टेंट का निकलना भी एक, आप कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। ऐसा इसलिए था दोस्तों, देखिए जब आप, जब एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी खुशी चाहता है, उसको कोई मतलब नहीं है कौन सी सरकार चल रही है, क्या धर्म है, उसको खुशी मिलनी चाहिए, वो अच्छा पैसा कमाए, उसको 2 वक्त का खाना मिल जाए, उसकी मतलब जो उसका परिवार है वो अच्छे से चले। लेकिन जब ये सब नहीं होता है और एकदम दरिद्रता की कगार पे लोग पहुंच जाते हैं तो वो उठ खड़े होते हैं। तो यहां पे मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट एक तरीके से वही लोग थे। अब कैसे वही लोग थे, हालांकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स भी जुड़े, लेकिन मेन जो थे इसमें वो वर्ग था जो बहुत ही दबा कुचला था, जिसकी आजादी को छीन लिया गया था। तो ये कैसे हुआ, ये जो चर्चेस की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो गई थी 16वीं शताब्दी आते आते उससे हुआ, और 16वीं शताब्दी में उदय होता है मार्टिन लूथर का, तो आप हम वो देखने वाले हैं। वैसे तो चर्चेस एक तरीके से सोशल हार्मनी का भी सोर्स होते थे। कहीं पे भी अगर इनस्टेबिलिटी होते थे तो इन, ये जो पादरी होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, वो जाते थे और वहां पे चीजों को संभालते थे,
वो बोलते थे कि लड़ाई झगड़ा मत करो और चीजें बिल्कुल सही हो जाती थी, ठीक है। एक तरीके से चर्चेस वर द सोर्स ऑफ पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, बट धीमे धीमे चीजें खराब होनी शुरू हो गई। यहां पे धर्म के माध्यम से लोगों को कंट्रोल में भी रखा जाता था, आप ये भी बोल सकते हैं। चर्च के अपने लॉज होते थे जिनको कैनन लॉज बोला जाता था, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और भैया इसमें हेरिसी बिल्कुल नहीं, हेरिसी इसमें बिल्कुल नहीं अलाउड थी। अब हेरिसी क्या होता है, तो चलिए दूसरा पॉइंट क्या, अभी हमने राइज ऑफ चर्चेस देख लिया। सेकेंड पॉइंट होगा दोस्तों राइज ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रोटेस्टेंट का खड़ा होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो राइज ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रोटेस्टेंट कौन थे, ये वो वर्ग था जो कैथोलिक्स के खिलाफ खड़ा हो गया था। क्यों खड़ा हुआ, अभी हम आपको बताते हैं। हेरेसी बिल्कुल अलाउड नहीं थी। ये क्या था, देखिए हेरेसिस की बात करें, HAIRESIS, वेल एक्चुअली यहां पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, HAIRESIS, हेरेसिस, इसका मतलब था इंडिविजुअल चूजिंग, ठीक है, जिसको हेरेसी भी बोला जाता था, HERSY, ठीक है। इंडिविजुअल चूजिंग मतलब आप जो चाहते हैं वो नहीं करेंगे, चर्चेस ने जो लॉ बनाए हैं आप वो करेंगे। तो यहां पे ये हजारों सालों से प्रथा चली आ रही थी। चर्चेस के पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज भी थी, इनके पास संपत्ति भी थी, और चर्चेस पे कोई टैक्स भी नहीं लगता था। वैसे भी, वैसे तो आप कोई भी देश में चले जाइए, इनफैक्ट अगर आप भारत के भी इतिहास को देखेंगे तो भारत में भी जो मंदिर बनाए जाते हैं उन पे कभी टैक्स नहीं लगता। तो चर्चेस पे कभी कोई टैक्स नहीं लगता था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था। हेरिसी की यहां पे कोई, ये जो वर्ड्स बोल रहा हूं ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हेरिसी की यहां पे कोई भी जगह नहीं थी। इंडिविजुअल नहीं चूज कर सकता था कि मुझे क्या चाहिए, ना ना, जो चर्च ने बोल दिया वो फॉलो करो। यही प्रॉब्लम हो गई, लोगों का यहां पे शोषण हो रहा था। फ्यूडल लॉर्ड्स थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लैंड लॉर्ड्स थे जिन्होंने हालत खराब कर रखी थी यूरोपियन में। यूरोपियन से ही तो फ्यूडलिज्म आया है, तो वहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, लॉर्ड्स थे, फीफ्स थे, बहुत ही हालत खराब थी दोस्तों। लोग दबे जा रहे थे, टैक्सेस बहुत थे, पिजेंट बहुत ज्यादा थे। अब मेजोरिटी 80-90% लोग यही थे जो गरीब थे, जो पेजेंट थे, जो काम करते थे, इनको कुछ नहीं मिल रहा था इन चर्च से। इनको क्या मिल रहा था, लॉ फॉलो करो, हमारा कानून फॉलो करो, तुम जो चाहते हो वो नहीं करने देंगे। तो कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसमें थे, इसमें सबसे पहले थे पीटर वॉल्डो ऑफ लियोन्स, 12th सेंचुरी में इन्होंने आवाज उठाई, और इनके फॉलोअर्स को वेल्डेंसियंस भी बोला जाता था। इनके फॉलोअर्स को वेल्डेंसियंस भी बोला जाता था। इन्होंने बोला भैया ये क्या है, ऐसा नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा कंसेप्ट समझाता हूं, प्रार्थना करो आराम से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी भी धर्म का मेन टारगेट क्या होता है, इंसान का मेन उद्देश्य क्या है, मुक्ति लेना, मोक्ष को प्राप्त करना जिसको हम बोलते हैं। तो प्रार्थना करो, अच्छी चीजें करो, सिंपल सी बात है, जीसस की टीचिंग्स को समझो, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। इन्होंने जो इतने लंबे चौड़े लॉ बना लिए हैं फॉलो करने की इतनी जरूरत नहीं है। चर्च के खिलाफ खड़े हो गए, ढूंढ ढूंढ के मारा जाता था आपको बता दो अगर आप चर्च के खिलाफ कुछ बोल देते थे। और एम्परर्स तो चर्च के ही अधीन थे भैया, यहाँ पे कोरोनेशन भी चर्च करता था अगर किसी की ताजपोशी होती थी, तो पूरा इनके अधीन थे, सब कुछ इनके पास था, लेकिन फिर भी लोग खड़े होने लगे। दूसरा ग्रुप था दोस्तों, एक और ग्रुप था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसको बोला जाता था कैथास या फिर एल्बिगेंसियंस। इसकी स्पेलिंग है, देख लीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक वैसे नहीं होनी चाहिए, एल्बिगेंसियंस या फिर कैथार, इनको CATHAR ये बोला जाता था। ये भी सेम चीज कहता था कि जो इन्होंने लॉ को स्टैब्लिश किया है उसको मानने की इतनी जरूरत नहीं है। धीमे धीमे शुरू में तो बहुत विरोध हुआ, अरे बाप रे, आप हजारों सालों के इतिहास से छेड़खानी करोगे, आप हजारों सालों से जो विचारधारा चली आ रही है उसको बदलने की कोशिश करोगे, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन सत्य तो सामने आएगा ही आएगा। शुरू में तो बिल्कुल विरोध किया, चर्च ने बिल्कुल भी माना ही नहीं, ये क्या बकवास है, विरोधाभास आ रहा है, हटाओ इन सबको, साफ कर दो सबको। तो धीमे धीमे लोग भी इनके साथ खड़े होने लगे, इंटेलेक्चुअल्स भी इनके साथ खड़े होने लगे, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे, इंग्लैंड के यहाँ पे हम देखते हैं जॉन विक्लिफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे,
उन्होंने भी यही चीज बोली। फिर जॉन हस बोहेमिया के, उन्होंने बोला कि चर्चेस को रिफॉर्म करना चाहिए, और इनके फॉलोअर्स को लोलार्ट्स बोला गया। ये एक और इंपॉर्टेंट, लोलार्ट्स, ठीक है। तो यहां पे जो एक नई विचारधारा हुई, बेसिकली दो में डिवाइड हो गए हैं, एक जो चर्चेस को मान रहे हैं और दूसरे वो बोल रहे हैं कि रिफॉर्म करो रिफॉर्म करो। और ये 12वीं शताब्दी, 12th सेंचुरी से ये बातें शुरू होनी, मतलब ये शुरू हो गई थी। लेकिन असली चीज तब हुई जब मार्टिन लूथर आए। मार्टिन लूथर ने सब कुछ बदल के रख दिया। मार्टिन लूथर ने सीधा सीधा बोला कि देखो भैया, ऐसा है कि टीचिंग्स फॉलो करो जीसस की, अच्छा काम करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इंटेलिजेंस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करो। अभी ये इंटेलिजेंस क्या है, इसी पे ही तो सारा मामला था। इसी की वजह से मार्टिन लूथर ने 95 सवाल पूछ डाले, कील गाड़ दी थी, ये पैम्फलेट चिपका दी थी कि ये 95 सवाल है मेरे, इनके जवाब दो, आओ इन पे बहस करते हैं। बदल गया। मार्टिन लूथर की बात करें तो भैया, थर्ड पॉइंट आपका मार्टिन लूथर, राइज ऑफ मार्टिन लूथर, 1483 में इनका जन्म होता है और 1546 में इनकी मृत्यु होती है। तो मार्टिन लूथर दोस्तों, इनके पिताजी एक मजदूर थे, वो कोल माइन में काम करते थे, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे, तो जर्मन यूनिवर्सिटी भेजा इनको पढ़ने। वहां पे ये लॉयर बने, इन्होंने लॉ की शुरुआत की। फिर उसके बाद प्रीस्ट भी बने, ऐसा नहीं है, ये मंदिर में, ये चर्च में पादरी भी थे, बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मॉन्क भी बने, लेकिन इन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया। और जब इन्होंने हालात देखे, ये हालात तो बद से बदतर है, यहाँ पे लोगों को बहुत, यहाँ पे परेशान किया जाता है चर्चेस के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को परेशान किया जाता है, और ये क्या हो रहा है, लोगों को कोई फ्रीडम ही नहीं है, तो ये सब क्या हो रहा है। और यहीं से ही दोस्तों एज ऑफ एनलाइटनमेंट की शुरुआत हो गई। अब ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे आने वाले समय में साइंटिफिक डेवलपमेंट पैरेलली ऑलरेडी चल रहे हैं। उसके बाद अभी बड़े बड़े फिलोसोफर आएंगे, नीश आएंगे, वोल्टायर आएंगे, मोंटेस्क आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। अभी एज ऑफ एनलाइटनमेंट शुरू हो गया है, मार्टिन लूथर ने कील ठोक दी थी। तो मार्टिन लूथर तो एक बहुत जानकार थे, काफी इंटेलेक्चुअल थे। 1505 में प्रीस्ट बने, फिर 1512 में इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, ठीक है, मतलब थियोलॉजी में भी इनकी पीएचडी थी, तो वो कंप्लीट की, ठीक है। उसके बाद फिर 1512 से लेकर 1546 तक ये प्रोफेसर रहे, ठीक है, विटेंसबर्ग यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारी चीजें की। इन्होंने अपने पिताजी को भी डिसोबे कर दिया था, इन्होंने अपने बोला, इनके पिताजी एक धार्मिक इंसान थे, बोलते थे चर्च की बातों को मानो, ऐसे कैसे, जो 10 कमांडेंट्स है जो तुमको फॉलो करने ही करने हैं, वो 10 रूल जो चर्चेज ने बनाए हैं, जो क्रिश्चियनिटी ने बताए हैं, उसको तुमको फॉलो करने ही करने हैं, इन्होंने बोला मुझे नहीं करने। इन्होंने अपने पिताजी को भी बिल्कुल डिफाई कर दिया और बोला मैं वही फॉलो करूंगा जिससे मुझे मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, बाकी कोई भी चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, इन सब की शुरुआत होती है 95 थीसिस से, और प्रोटेस्टेंट आइडिया जो स्प्रेड होने लगे, प्रिंटिंग प्रेस ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। तो यहां पे जो पैम्फलेट निकालते थे मार्टिन लूथर, फटाफट छपती थी, वो डबल होके कोने कोने में जाती थी। हुआ ये था दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई जब पोप लियो 10 को पैसा चाहिए था चर्च बनाने के लिए, सेंट पीटर्स बेसिलिका के कंस्ट्रक्शन के लिए उनको पैसा चाहिए था, पैसा था नहीं, तो जर्मन के आर्क बिशप एल्बर्ट ने बोला हम बिल्कुल पैसा तुमको देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे उनके सोर्सेस थे, उन्होंने पैसा दिया, लेकिन उनकी एक शर्त थी। शर्त क्या थी, इंडल्जेंस को बेचेंगे। अब यहां पे कंसेप्ट आता है इंडल्जेंस का। अब इंडल्जेंस क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात है, बहुत लोग इसको लेके कंफ्यूज भी रहते होंगे, मैं थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिख देता हूँ। एक स्टूडेंट ने बोला था सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है यार, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। इंटेलिजेंस की बात करें तो ये रास्ता है मोक्ष को पाने का, सीधी सी बात है, मोक्ष को पाने का, सेल्वेशन को पाने का ये रास्ता है, ये प्रायश्चित है। एक इंसान, जब क्रिश्चियनिटी में यही माना जाता है ना कि हर किसी को अपने पापों का हिसाब देना है, तो जब आप मरोगे उस परमेश्वर के पास जाओगे, उस परमात्मा के पास जाओगे, आपकी आत्मा, तो आपने जो पाप किए हैं उसकी सजा तो आपको मिलेगी। तो ऐसा करो, यहीं पे ही सजा भुगत लो ना, यहां पे तुम प्रायश्चित करो, जो तुमने अपने पाप किए हैं, तुम हमारे पास आओ, तुम चर्च के पास आओ, तुम पादरियों के पास आओ, तुम उनसे बोलो मेरे ये पाप है, वो तुमको रास्ता दिखाएंगे। इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस, प्रायश्चित करो, अपने पापों की सजा यहीं भोग लो, और जब फिर उसके बाद ऊपर जाओ
तो तुम्हारे पास कोई बोझ ना रहे, वो परमेश्वर भी तुमको अपना ले। सिंपल सी बात है, ये करना है। इसको प्रायश्चित बोलते हैं। प्रायश्चित मतलब ये नहीं कि अपने आप को मारो पीटो। हाँ, बहुत लोग ये भी करते हैं वैसे इंडलजेंस में। ये एक एक्सट्रीम वे होता है अपने आप को सजा देने का। आपने मर्डर किया, आपने बलात्कार किया, तो आप सजा दे रहे हो। लेकिन बेसिकली आप अच्छा काम करिए, आप लोगों की मदद करिए। क्रिश्चियनिटी क्या बोलती है कि अगर आपका किसी भाई से झगड़ा है तो पहले प्रायश्चित से पहले भाई के पास जाओ और उससे पहले सलाह मशवरा करो, उससे पहले सुलह करके आओ, पीस करके आओ उसके साथ, उसके बाद फिर यहां पे आओ। तो सीधी सी बात है, इंटेलिजेंस का ये कंसेप्ट है और आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो यहां पे प्रायश्चित अच्छे कामों से करो, लोगों की मदद करो इस तरीके से। अब ये बेचना शुरू कर दिया चर्च ने, क्यों? क्योंकि उनको एक नया चर्च बनाना था। तो ये एक डील हुई थी बेसिकली पोप लियो और एल्बर्ट के बीच में कि आपको हम पैसा जरूर देंगे चर्च बनाने का, लेकिन इंडलजेंस इंडलजेंस को बेचो। मतलब बेचो क्या? कोई भी इंसान आए, वो बोले कि हमको प्रायश्चित करना है, चर्च बोलेगा बिल्कुल प्रायश्चित करो, पैसे निकालो, बिना पैसे के तुमको इंडलजेंस करने नहीं देंगे। तो ये एक तरीके का, ये पूरा इसका मुद्रीकरण हो गया, इसको मोनिटाइज कर दिया गया। यहां पे मूड खराब हो गया मार्टिन लूथर का कि ये क्या बकवास है। तो भैया 31 अक्टूबर 1517 में विटेंसबर्ग कैसल में गए, चर्च के बाहर, दरवाजे के बाहर इन्होंने 95 पॉइंट्स दे दिए। पैम्फलेट को कील से गाड़ दिया। 95 पैम्फलेट थी, हर एक पैम्फलेट में एक सवाल लिखा गया था, और ये क्यों हो रहा है, ये जो आप लेके आ रहे हैं ये क्यों हो रहा है। और इसी को प्रोटेस्टेंट आइडियाज बोला गया। इसमें एक एक जो चीज थी वो बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कर रहे थे चर्चेस को कि जो आपने ये सारी चीजें की हैं, इतने सालों से ये करते आ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे लोग परेशान हो रहे हैं, आइए बहस करते हैं, चर्च को रिफॉर्म करते हैं। और इसी को ही 95 थीसिस बोला गया। और ये 31 अक्टूबर 1517 को मार्टिन लूथर ने किया था, जो कि बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, क्योंकि यहां से प्रोटेस्टेंट शुरू हो गया, एक नया मूवमेंट शुरू हो गया, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और 1517 के बाद बहुत सारी चीजें हुई दोस्तों। यहाँ पे मार्टिन लूथर ने अपने बहुत सारे पैम्फलेट छापे, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था, मैं यहाँ पे जरा मिटा दे रहा हूं इसे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था एन अपील टू क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन। मतलब हम जर्मनी से, जो हमारे, हम जो ओरिजिनल क्रिश्चियन है वो आपसे अपील करते हैं, वो जर्मनी से अपील करते हैं। इस पे बेसिकली क्या था, जो उनके प्रोटेस्टेंट आइडियाज थे, उनके आइडिया सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ जीसस की पूजा करो, जो बेसिक टीचिंग्स है उसको मानो, अच्छा काम करो। अब यहां पे इसको करने के लिए चर्चेस ने बहुत सारे लंबे चौड़े लॉ बना दिए थे। या आप वैसे ही समझ सकते हैं जैसे भारत में भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था। भक्ति मूवमेंट भारत में क्यों शुरू हुआ था? ताकि वो उन लोगों को ताकत दे सके। पहले क्या होता था भारत में, ये बोला जाता था कि अगर कोई बीमार है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मंदिरों को ढेर सारा पैसा दो। ऐसे ही चर्चेज में भी हो गया था, हमको ढेर सारा पैसा दो, कोई भी दिक्कत है तुमको। तो यहाँ पे सारी चीजें होने लगी थी और हर कोई इनके साथ था, लेकिन लोग खड़े हो गए क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। सोशल इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा हुआ, इंटेलेक्चुअल्स भी साथ आने लगे, बड़े बड़े लोग साथ आने लगे, नया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और जो कमजोर थे वो तो साथ थे ही, क्योंकि उनको एक जरिया मिल गया कि हमारी आवाज उठाने के लिए कोई तो आया है। तो मार्टिन लूथर को भगवान के रूप में देखा जाने लगा। उसके बाद हम देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरा पैम्फलेट छपा इनका, अ प्रिल्यूड कंसर्निंग द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च। ये सब लैटिन में ही लिखा था, और इसमें चर्चेस को रिफॉर्म करो, ये चीजें लिखी हुई थी। थर्ड पैम्फलेट, लिबर्टी ऑफ अ क्रिश्चियन मैन, सबसे इंपॉर्टेंट, फेथ एंड कॉन्साइंस ऑफ गॉड, जो आपका भरोसा है और आपका जो कॉन्साइंस है, इससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं, ये सारी चीजें लिखी थी। प्रोटेस्टेंट आइडियाज थे, चर्च की बेसिक फिलॉसफी को ये सब नकारते थे। लोगों ने तो हाथों हाथ लिया, चर्चेज ने हाथों हाथ नहीं लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे पिजेंट वॉर भी शुरू हो गया जर्मनी में, हम देखते हैं पिजेंट वॉर भी शुरू हो गया, लोग उठ खड़े हुए, और प्रोटेस्टेंटिज्म ही इसका सबका कारण था। आप याद रखिएगा, ये जो मूवमेंट शुरू हुआ इससे लोगों को ताकत मिली, और यहाँ पे पिजेंट्स ने विद्रोह कर दिया जर्मनी के खिलाफ 1525 में। यहाँ पे सब कुछ हुआ। 12 आर्टिकल जो स्वेबियन पीजेंट्स हैं उन्होंने लिखे थे, उसकी मेन थीम क्या थी? जो भगवान के लॉ हैं उनको हम फॉलो करेंगे, दूसरा विलेजेस को ऑटोनॉमी दो। हालांकि ये सब कुछ सप्रेस किया गया, लेकिन ये जो ग्रोथ ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म थी, इसने बहुत सारी चीजों को
मतलब बहुत सारी चीजों को बढ़ावा दिया। फिर चौथा एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी इसमें शुरू हो गई, लोग समझने लगे। जब किताबें पहले तो देखिए, जब ये आइडियाज स्प्रेड हो रहे थे तो चर्चेस ने किताबों को बैन कर दिया था, ठीक है। बहुत सारी बुक्स थी जो चर्चेस ने बैन कर दी थी, और अगर आप पढ़ते हुए ये सारी बुक्स दिख लिए जाते तो आप मार दिए जाते, वहीं पर ही आपको मार दिया जाता। लेकिन अब सच को कैसे रोकेंगे, किसी ना किसी तरीके से ये बुक्स स्मगल हुई और इन बुक्स को पब्लिश किया गया। लोग जागृत हुए, लोग इनलाइटेंड हुए, और यहां से एज ऑफ इनलाइटेनमेंट की शुरुआत हो गई। कैपिटलिज्म की भी शुरुआत इसी एरा से हुई दोस्तों, जैसे ही प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, क्योंकि पहले तो सब कुछ किसके पास था, सारी संपत्ति सारा पैसा एम्परर के पास और एम्परर चर्चेस के अधीन, तो लोगों को आजादी थी ही नहीं। लेकिन जैसे ही प्रोटेस्टेंट एरा आया, लोगों को आजादी मिली, लोगों ने बोला हमको चर्चेस को मानना ही नहीं, और बाद में चर्च भी ये समझ गया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद काउंसिल ऑफ ट्रेंट भी हुई ताकि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट साथ मिलकर आ सके। लेकिन उसके बाद दोस्तों इंग्लिश रिफॉर्मेशन भी शुरू हो गया, वहां पे भी प्रोटेस्टेंट को अपनाया जाने लगा। एंग्लिकैनिज्म इनको बोला जाता था, ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। और एक तरीके से दो गुट, मतलब ये डिवाइड हो गए, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं दो में डिवाइड हो गए, एक तो इन्फ्लुएंशियल मॉडरेट्स और एक रेडिकल रिफॉर्मर्स, ये दो में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो यहां पे भी गुट डिवाइड होते जा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। फिर चर्च ने भी माना कि भैया ऐसा है, हो सकता है हमको रिफॉर्म करने की जरूरत है, जब लोग इतना उठ खड़े हुए हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो फिर वही मैंने आपको बताया, काउंसिल ऑफ ट्रेंट्स हुई, वहां पे काउंटर रिफॉर्मेशन की बात की गई, बहुत सारी चीजों को माना, बहुत सारी चीजों को नहीं माना। लेकिन जो भी हो, प्रोटेस्टेंट बहुत आगे बढ़ा, और आज भी आप देखते हैं क्रिश्चियनिटी दो में डिवाइड है, प्रोटेस्टेंट और, जैसा हर धर्म में होता है, ठीक है, वैसे क्रिश्चियनिटी में भी है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली जो क्रिश्चियंस का मेन प्रिंसिपल है, ट्रिनिटी, थ्री फोल्ड डिविनिटी ऑफ गॉड, यहां पे ट्रिनिटी कंसेप्ट को माना जाता है, ये आपको पता ही है, क्रिश्चियनिटी की बेसिक बिलीफ है। वैसे तीन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, और सारे धर्मों में इसी तरीके का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ये थ्री फोल्ड कंसेप्ट क्या है, गॉड जो सब, जो पिता परमेश्वर है, जिसको फादर बोला जाता है, ठीक है ना, गॉड द फादर, क्राइस्ट जो कि मसीहा है, भगवान के उपदेशों को, ये मतलब भगवान के, जो भगवान चाहते हैं उसको क्राइस्ट जो है उन्होंने फैलाया, ठीक है। और जो होली बुक बाइबल है वो जीसस क्राइस्ट के ही वर्ड्स हैं, भगवान के ही वर्ड्स, थ्रू जीसस क्राइस्ट है। तो क्राइस्ट द सन, और उसके बाद फिर आपकी आत्मा होली स्पिरिट, इसी थ्री फोल्ड कंसेप्ट ऑफ गॉड को ट्रिनिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो प्रोटेस्टेंट का जो राइज था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई और मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ ट्रांजिशन होने लगा। ट्रांजिशन टू मॉडर्न वर्ल्ड मेरा अगला लेक्चर होगा, हम देखेंगे। खुश रहे, पढ़ते रहे, सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।